सब्सक्राइब कीजिए कुक विद लुबना को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। इट्स टोटली फ्री। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ चिली चिकन बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही लाइट और इजी इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही यमी और डिलीशियस हमारा चिली चिकन बनकर तैयार होता है। आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स पर एक नज़र डालते हैं। चिली चिकन बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम चिकन लिया है। यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन लिया है और इसके 1 से 1.5 इंच के क्यूब्स में पीसेस कर लिए हैं। एक अंडा लिया है जिसको कि मैंने अच्छे से बीट कर लिया है। 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। 1 टेबलस्पून मैदा लिया है। 2 टीस्पून सोया सॉस लिया है। 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर लिया है और 1 टीस्पून नमक लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। और इसकी ग्रेवी बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं, इसमें मैंने 1 मीडियम साइज़ की प्याज है जिसे इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है और 1 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च है इसे भी क्यूब्स में कट कर लिया है। 2 टीस्पून लहसुन है जिसे बारीक काट लिया है और 1 टीस्पून अदरक है इसको भी बारीक काट लिया है। 2 से 3 हरी मिर्च ली हैं इनको भी बारीक काट लिया है। 4 टेबलस्पून टोमेटो सॉस लिया है। 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस लिया है, आप इसकी जगह ग्रीन चिली सॉस भी ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून सिरका लिया है। 1/2 टीस्पून नमक लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून सोया सॉस लिया है। 3 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है जिसको कि हम पानी में घोलकर इसकी स्लरी तैयार कर लेंगे। आइए हम देखते हैं कि हम चिली चिकन कैसे बनाएंगे। और इसकी ग्रेवी बनाने के लिए मैंने 2 टेबलस्पून सेसमे ऑयल लिया है यानी कि तिल का तेल। ये ऑप्शनल है, आप इसके जगह रिफाइंड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चाइनीज़ डिशेस में तिल के तेल का एक अलग ही जायका आता है। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। हम इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे, अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, साथ में ऐड करेंगे सोया सॉस। साथ ही में हम इसमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर देंगे और मैदा भी ऐड कर देंगे। मैदा ऑप्शनल है, आप चाहें तो सिर्फ कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में ऐड करेंगे अंडा। अंडे की हम पूरी क्वांटिटी एक साथ ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम पूरी क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधे ही अंडे का इस्तेमाल करा है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस मिक्सचर को कम से कम आधे घंटे के लिए हम मैरिनेशन के लिए रख देंगे। अब हम हाई हीट पर ऑयल गरम करेंगे और फिर गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम टेम्परेचर पर ही हम चिकन को फ्राई करेंगे। हम इसमें एक एक करके चिकन के पीसेस ऐड करते जाएंगे। हम इसको ओवर क्राउड नहीं करेंगे, बीच में थोड़ा डिस्टेंस रखेंगे ताकि ये पीसेस आपस में चिपके नहीं। और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। हमें इसको स्लोली ही फ्राई करना है क्योंकि हमें साथ साथ इनको गलाना भी है। इस तरह से हम इसको फ्लिप करते हुए, उलटते हुए, पलटते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए 6 से 7 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने चिकन के पीसेस को गोल्डन होने तक फ्राई कर लिया है। अब हम इनको एक एब्जॉर्बेंट पेपर पर निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल वो एब्जॉर्ब कर ले। ये देखिए इस तरह से। और बाकी के चिकन के पीसेस को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। चिली चिकन की ग्रेवी बनाने के लिए हम एक पैन गरम करेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून तिल का तेल ऐड कर देंगे यानी कि सेसमे ऑयल। तेल के गरम होने पर हम इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड कर देंगे और साथ में ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई अदरक और हरी मिर्च और इसको 30 से 35 सेकेंड के लिए हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमने इसको 30 से 35 सेकंड के लिए फ्राई कर लिया। अब हम इसमें चौकोर कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे और साथ में ही हम इसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर देंगे और गैस की फ्लेम को हाई करके 1.5 से 2 मिनट के लिए हम इसको फ्राई कर लेंगे। ध्यान रखना है गैस की फ्लेम हमको हाई रखनी है।
हमें प्याज और शिमला मिर्च को इस तरह से फ्राई करना है कि इसका क्रंच बना रहे। अब हम इसमें रेड चिली सॉस ऐड कर देंगे, टोमेटो सॉस ऐड कर देंगे, सोया सॉस ऐड कर देंगे, साथ में ऐड करेंगे सिरका यानी कि विनेगर और नमक। आप अगर तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर इसमें एक टीस्पून रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं यानी कि लाल मिर्च का पाउडर, और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर को 250 ml पानी के साथ घोल कर रखा था। हम इसको इस तरह से ऐड करेंगे कि हम एक हाथ से इसको इसमें डालते जाएं और दूसरे से चलाते जाएं ताकि इसमें कोई लंप नहीं बने। और साथ ही में हम इसमें एक चिकन स्टॉक ऐड कर देंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ऐड करिए। यहाँ पर मैं 1 क्यूब इसमें ऐड कर रही हूँ, ये टेस्ट इन्हेंसर का काम करता है, इससे चिली चिकन का टेस्ट और बढ़ जाएगा। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और अब हम इसमें फ्राई किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप ग्रेवी की कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए है तो आप कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी को बढ़ा लीजिए और थोड़े से ज़्यादा पानी के साथ उसका घोल तैयार कर लीजिए तो आपकी ग्रेवी बढ़ जाएगी। और यहाँ पर आप इसका नमक और मिर्च चेक कर लीजिए, अगर आपको कम लगता है तो प्लीज़ आप ज़रूर से ऐड कर लीजिए। मेरे पास हरी प्याज अवेलेबल नहीं थी जो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि मुझे इस टाइम यहाँ पर इसको गार्निश करना था, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर यहाँ पर डालिए। अब हम इसको सर्व करेंगे। हमारा चिली चिकन रेस्टोरेंट के चिली चिकन से कम नहीं है, बस मैंने यहाँ पर अजीनोमोटो का इस्तेमाल नहीं किया है जो कि रेस्टोरेंट में किया जाता है। अजीनोमोटो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर ऐड नहीं किया है। ये आपकी चॉइस है, आप चाहें तो इस यहाँ पर 2 पिंच अजीनोमोटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आइए अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। ये देखिए हमारा कितना यमी और डिलीशियस चिली चिकन बनकर तैयार है और इसको हमने कितनी आसानी से बना लिया। आप इसको सर्व कीजिए फ्राइड राइस या फिर प्लेन राइस के साथ या फिर ज़ीरा राइस के साथ, ये बहुत ही यमी लगेगा। और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।